बीबीसी लाइव देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बिलासपुर में सर्व हिंदू समाज की रैली को रोकने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। छत्तीसगढ़ स्कूल के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर छावनी बनाया। रैली के लिए सर्व हिंदू समाज ने भी कसी कमर। इधर नेताओं ने कवर्धा की घटना और हिंदुओं की रक्षा की मांग कर सरकार पर जमकर आरोप लगाया। कवर्धा में 3 अक्टूबर से शुरू हुई हिंसक घटनाओं और उसमें प्रशासन की एक तरफा तथा पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ सर्व हिंदू समाज द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में विशाल रैली निकालकर प्रशासन की कार्यवाही का विरोध कर रहा है। इसके लिए सभी जिलों की तरह बिलासपुर में भी रैली के आयोजकों ने प्रशासन से बकायदा मंगलवार को सर्व हिंदू समाज की विशाल विरोध रैली निकालने की अनुमति मांगी थी। यह रैली बिलासपुर के छत्तीसगढ़ स्कूल से प्रारंभ होकर कलेक्ट्रेट तक जानी, जहां कलेक्टर को ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा गया। प्रशासन ने सर्व हिंदू समाज को यह अनुमति नहीं देते हुए छत्तीसगढ़ स्कूल से निकलने वाली इस रैली के खिलाफ कार्रवाई करने और उसे रोकने तथा विफल करने के लिए अपनी कमर कस ली है। प्रशासन ने इसके लिए बाकायदा छत्तीसगढ़ स्कूल के चारों तरफ टीन की दीवार खड़ी कर रैली को असफल करने की पूरी तैयारी कर। किसी तरह ईदगाह रोड और बृहस्पति बाजार के पास भी प्रशासन ने रैली को विफल बनाने के लिए काफी व्यवस्था कर रखी थी। वहीं रैली के आयोजकों में प्रमुख लोगों का कहना है कि हमारी रैली हर हाल में निकलेगी, चाहे प्रशासन कितना भी हाथ पैर मार ले। लेकिन इस मामले में प्रशासन ने इस कदर सख्ती बरती कि रैली नहीं निकल सकी, बल्कि स्कूल परिसर में ही रैली वालों को रोक दिया गया। कवर्धा में जो बर्बरता हुई है हिंदू समाज के खिलाफ, बहुसंख्यक समाज के खिलाफ, और जो एक तरफा कार्यवाही हुई है उसके विरोध में यह धर्म संसद का आयोजन हुआ है। सर्व हिंदू समाज के लोगों ने एकत्रित होकर आज जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है उसका ध्यान सरकार की ओर आकर्षित किया है। कवर्धा की घटना को लेकर बहुसंख्यक समाज में आक्रोश है। प्रशासन की कार्यवाही एक तरफा है और इसलिए जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं हिंदू समाज के, उनकी तत्काल रिहाई हो, निःशर्त रिहाई हो और इस घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी से कार्रवाई करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हुआ है। नवरात्र माँ दुर्गा का है, उपासना का समय है, हम शक्ति के उपासक हैं। ये 9 दिन में हम लोग शक्ति की उपासना के लिए भगवान ये माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में लोहारा चौक में भगवत ध्वज फहराया गया और भगवत ध्वज फहराया गया। आपको प्रॉब्लम है, आप दूसरा ध्वज फहरा लीजिए। अभी जैसे भाई विजयन बोल रहे थे, हिंदू धर्म ऐसा धर्म है कि जिसमें हर कोई आकर के समाहित हो जाता है। कई धर्म आए, अंग्रेज आए, मुस्लिम आए, मुगल आए, कितने लोगों ने आए कि यहाँ की कोशिश की यहाँ के धर्म में अपना राज करने का, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि आप जैसे बहादुर लोग इस देश में रहते हैं। भारत देश वीरों का देश है। एक एक नाम अगर गिनाते जाएंगे तो यहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए, यहाँ आज चंद्रशेखर बोस पैदा हुए, यहाँ चंद्रशेखर आजाद पैदा हुए, यहाँ भगत सिंह पैदा हुए। यहाँ अगर गिनती गिनेंगे तो लाखों की संख्या में वीर पैदा हुए, वीर सावरकर पैदा हुए। ऐसे ऐसे पैदा हुए जिनके बारे में हम लोग जानते थे, इतिहास को पूरा टुकड़ा बदल दिया गया। तो वीरों की कमी नहीं है, लेकिन ऐसे वीरों से लड़ने के लिए क्या है, जितने भी ये मुगल आए और अंग्रेज आए उन्होंने क्या है, छत्म लड़ाई लड़ी। यानी हर वो जो चीज जो आपको पसंद है, आपको अच्छा लगता है, उसको अपमानित किया गया। और वही खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।